तो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड फॉर्मूले पर डिस्कशन लास्ट क्लास में हो चुका था, आप लास्ट वीडियो को जरूर देखें, आज मैं उसे आगे चीजों को बढ़ा रहा हूं आपसे। देखिएगा, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट ऑफ 2000 रुपीज फॉर 4 इयर्स एट द 6% कन्वर्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रिंसिपल गिवन है आपको बच्चे, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 2000 रुपीज और टाइम आपको गिवन है 4 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में है 6% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होता है, ऑलवेज पर एनम होता है और आपको इसको एनुअली चार्ज करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है कि आप इसको एनुअली चार्ज करें, तो आप एनुअली में, एनुअली का मतलब क्या हुआ कि आपसे इंटरेस्ट लेने के लिए वो साल में एक बार आएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले आप एनुअली और हाफ ईयरली, चलिए सेमी एनुअली, मैं दोनों के बीच में डिफरेंस समझाऊंगा क्या होता है। एनुअली, एनुअली का मतलब ये हो गया कि एक साल में इंटरेस्ट लेने के लिए आपके पास में साल में एक बार आएगा, एक साल में आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इसका आपके पास में सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू अमाउंट मतलब इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 एंड रेज टू पावर एन। एन होता है या फिर इसको आप कई बार टीबी बच्चे बोल देते हैं, टी मतलब टाइम्स, तो बेसिकली एन यूज करें ज्यादा बेटर है। एन का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट कितनी बार चार्ज होगा, क्लियर है बच्चे। तो सॉल्व करेंगे यहां पर आप, एस इक्वल्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है आपका 2000 है, 1 प्लस 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ 6% है, तो 6/100 रेज टू पावर एन। जब साल में एक बार ब्याज लेने के लिए आ रहा है और चार साल के लिए पैसा उधार भी दिया हुआ, तो कितनी बारी ब्याज आप पे चार्ज होगा, 4। तो एस इक्वल्स टू 2000, देखिए बच्चे 1 एज अ प्रिंसिपल होता है और आप पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 0.06 मिल रहा है आपको इंटरेस्ट, तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, 2000 रुपए तो आप रखिए, एक आपका प्रिंसिपल है 0.06, उस एक का ब्याज मिल रहा है, तो 1.06 आपका ब्याज मिलेगा 4 एंड एस इक्वल्स टू 2000। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर लीजिए, 1.06, देखिए 1.06 है ना, ये लिख दिया आपने, मल्टीप्लाई करें और जब भी आप पावर में चीजें सॉल्व करते हो तो मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। अब कितना पावर 4 है ना, तो जब तक आपके कैलकुलेटर पे यहाँ पे 5 ना लिखा हुआ आ जाए, 5 कैलकुलेटर पे कोने पे आप देखेंगे तो काउंटिंग लिखी हुई आती है, तो मल्टीप्लाई बाय, तो क्या लिखेंगे, 1.06 मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू, इक्वल तब तक प्रेस करना है जब तक 5 नहीं आ जाए, जो पावर है उसमें प्लस 1, 5 नहीं आ जाए, तो आपका क्या है, ये आपका है 1.2624 और सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2000, तो आपका आएगा 2524.95, क्लियर है बच्चा। अब इसी में सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल इक्वल्स टू 2000 रुपीज है। पहले आप एक छोटे सवाल से इसके बीच डिफरेंस समझिएगा, एनुअल सेमी एनुअल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा हाफ ईयरली का क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, प्रिंसिपल 1000 रुपए है, बच्चे कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो, बार बार हैंड रेज करने से कोई आपकी सॉल्यूशन नहीं होगी, कमेंट करिए मैं उस पर बात करूंगा। हाँ जी, प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या आपके पास में 1000, अगर हम यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, अब यहां पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल लीजिए कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लीजिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में 10% है। अब टाइम की मैं बात करता हूं, तो चलिए टाइम 1 ईयर लो, तो एक तो एनुअल होता है, एनुअल अगर आप चार्ज करेंगे तो कितना ब्याज मिलेगा, देखिए 1000 रुपए है और आपका एक साल के एंड में अगर आप ब्याज लेंगे तो 10% ब्याज लेंगे, तो 10% क्योंकि ये पर एनम होता है ना आपका, तो आपको 100 रुपए ब्याज मिलेगा। अब बोलोगे सर ये हाफ ईयरली क्या होता है, तो हाफ ईयरली भी सर समझिए, प्रिंसिपल आपका 1000 रुपीज है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% पर एनम है यहां पर। टाइम आपको मैं एक साल का ही दे रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं हाफ ईयरली। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली। अगर मैं हाफ ईयरली की बात करूं तो आप देखिएगा क्या होगा, इससे क्या फायदा होता है। तो अब हाफ ईयरली अगर आप ले रहे हैं तो आप एक बताइए कि आपका इंटरेस्ट कैसे जाएगा, हर 6 महीने में, तो 6 मंथ में जाएगा और एक आपका 6 महीने बाद 12 मंथ में जाएगा, 6-6 महीने में जाएगा। तो आपका 6 महीने में जाएगा तो 10% आप इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है क्या? तो 10% मतलब क्या, 100 रुपए, ये आप बिल्कुल भी नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि सर 10% पर एनम है, साल का 10% ब्याज आपने कहा था, अब 6 महीने बाद ही आ रहे हो तो मैं आपका पूरे साल वाला ब्याज क्यों दूंगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, आप नहीं दोगे। आप बेसिकली क्योंकि पर एनम जो है ये ईयर का है, अगर मैं 6 महीने में आ रहा हूं तो आप इस चीज से सहमत है कि अगर 6 मंथ में आओगे तो हम आपको 5% देंगे, मतलब बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5% दोगे तो 10% आपके 50 हो गया। अब सेकेंड, अब टाइम जब इंटरेस्ट लेने आओगे तो वो भी आप 5% ही दोगे ना 6 महीने का, तो आप 5% दोगे तो आपके पास में बेसिकली क्या हुआ, आपके पास में 50 दोगे। बट फायदा क्या हुआ, 100 रुपए तो ब्याज अभी भी मिला है, एक चीज आपका रह गया, सेकेंड टाइम पे वो प्रिंसिपल पे तो लेगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेगा, तो 2.5 उसको एक्स्ट्रा मिल गया। देख रहे हो, तो अब इसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 100.102, 102.5। तो आप ये देखिएगा हाफ ईयरली से क्या फायदा हुआ और एनुअल से क्या हुआ, आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट जितना हाफ ईयरली क्वार्टर ईयरली जितना होगा वो उतना ज्यादा कंपाउंडेड हो जाएगा। अब यहां पर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करो जब भी वन ईयरली की जगह पर, अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है ईयरली है, बट आपका टाइम ऑफ पीरियड कुछ इंटरेस्ट जो चार्जेबल है वो हाफ ईयरली क्वार्टर ईयरली ऐसा कुछ भी दिया हुआ है आपका, तो कैसे करेंगे। हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ होता है, बिल्कुल ठीक है। तो आप पहले एन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एन। तो 6 महीने में ब्याज लेने आ रहा है तो पूरे के पूरे टाइम ड्यूरेशन में कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, ये बात समझ में आया। उसके बाद आपका हाफ ईयरली है ना, ये 12 से डिवाइड करो तो कितना है आपका 1/2। तो आप अपने रेट को पूरा कंप्लीट रेट नहीं दोगे, टाइम आपका हाफ हुआ तो रेट भी आप उसको हाफ करके दोगे। दो चीजें मॉडिफाई कर देनी है आपने और कुछ भी नहीं होता। फिर आपका प्रिंसिपल 1000 हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% हो गया और एन इक्वल्स टू आपका 2 हो गया। अब वही फॉर्मूला वही स्ट्रक्चर आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो, कौन सा, एस इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 एंड रेस टू पावर एन 2 एंड एस इक्वल्स टू 1000। सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1.05 रेस टू पावर 2, सॉल्व करेंगे आप इसको 1.05 इंटू 2, 1000 इंटू 1.1025 इंटू 1000, तो क्या है आपका, ये तो इंटरेस्ट है ना, अमाउंट की बात कर रहा हूं, 1102.5 अमाउंट आ गया ना। और यहां पर भी अमाउंट क्या था, अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल आपका 1000 है, जोड़िए तो 1102.5। तो देखिए ये बात समझ में आपको है। तो हाफ ईयरली में क्वार्टर ईयरली में आप क्या करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहीं पर एक क्वेश्चन जरा देखें, प्रिंसिपल क्या आपका, प्रिंसिपल 1000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में है 6% और टाइम आपके पास में 4 ईयर, और चार्जेबल क्या है, चार्जेबल आपका है सेमी एनुअली, मतलब कि आधा वर्ष। आप सॉल्व करेंगे इसको, 6 मंथ में अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो आप सेमी एनुअली का मतलब क्या हुआ, हर 6 मंथ में चार्ज हो रहा। तो आइए मॉडिफाई करते हैं, तो एक साल में 6 महीने में तो एक साल में 2 बार ही आएगा, तो 4 साल में कितनी बार आएगा, इस चीज को देखिएगा ना आप, 1 ईयर में कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 4 साल में कितनी बार आ जाएगा, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 1/2 आया, तो 1/2 कर देंगे इसका, तो क्या बनेगा आपका 3%। अब बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 एंड रेस टू पावर एन, सम ऑफ अमाउंट प्रिंसिपल क्या आपका, प्रिंसिपल आपका 2000 रुपीज है,
वन प्लस रेट क्या है आपका? रेट आपके पास में है 0.03, और पावर एन, एन क्या आपके पास में? 8। सॉल्व करेंगे, एस इक्वल्स टू 2001.03 रेस टू पावर 8। अब सॉल्व करेंगे इसको, एस इक्वल्स टू 2000, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, आप सोचेंगे कैलकुलेटर कैसे यूज करें, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। 1.03 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 8 है तो 9 बार नंबर आने दीजिए। तो क्या है आपका? एस इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 2000 इंटू 1.2667 इंटू 2000, तो एस इक्वल्स टू 2533.54, ये आपका सम ऑफ अमाउंट आ गया। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? कोई डाउट? इसी तरीके से क्वार्टरली अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वही प्रिंसिपल आपका क्या है? प्रिंसिपल आपका 2000 है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और टाइम ड्यूरेशन आपका 4 ईयर है। क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? हर 3 मंथ में चार्जेबल है। क्वार्टरली का होता है 3 मंथ में चार्जेबल है। तो सबसे पहले इसको मॉडिफाई करेंगे कैसे? 1 साल में कितनी बार आएगा? 4 बार, तो 4 साल में कितनी बार आएगा? एन इक्वल्स टू 60, ठीक है, अपॉन 12 कर दो तो क्या आया? 1/4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप कर दो 1/4, तो 6/4, 6/4, 1.5%, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, अब आप एस इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5/100 एन एस टू पावर 16, एस इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1.015 रेस टू पावर 16, 1.015 मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स, प्रेस करते रहो जब तक 17 बार नहीं आ जाता आपका। तो क्या आया आपका? एस इक्वल्स टू 2000 मल्टीप्लाई 1.2689, तो एस इक्वल्स टू आपका आ गया 2537.97, ये आपका आंसर है। क्लियर है बच्चे? अब मंथली में आप क्या करने वाले हैं उसको मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, कि मंथली में क्या होने वाला है। प्रिंसिपल 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है अभी फिलहाल आपका, और टाइम 4 ईयर है। तो मंथली में क्या होगा? मंथली मतलब कि हर महीने, तो आपका 1 महीने में 12 बार, तो 4 साल में 48 बार डिवाइडेड बाय 12, तो इंटू 1/12, तो 0.5, ठीक है बच्चे। बस आप अप्लाई करेंगे एस इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट टू थाउजेंड, 1 प्लस सॉल्व करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में क्या रहेगा? 0.5 एंड रेस टू पावर 48, एस इक्वल्स टू 2000 अपॉन 100 आएगा, ठीक है। तो पॉइंट वन पॉइंट जीरो जीरो फाइव रेस टू पावर 48 एंड एस इक्वल्स टू 2000 इंटू इक्वल्स टू आपको 49 टाइम्स,
इंटू 1.245 एंड एस इक्वल्स टू 2490.78। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गए बच्चे? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई होंगी कि आप हाफ ईयरली क्वार्टर ईयरली अब ये क्वेश्चन किस तरीके से निकालेंगे। फाइंड द कंपाउंड अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड अमाउंट, अमाउंट निकालो प्रिंसिपल से डिफरेंस निकालना, ऑफ रेट 7th इन्वेस्टेड फॉर 15 ईयर्स एट 8% कंपाउंडली सेमी एनुअली। चलिए करिए जरा इस क्वेश्चन को आप। हाँ जी बच्चों, डन। चलिए देखिए, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट एंड द कंपाउंड, आप सभी बच्चों को एक आइडिया होगा कि बच्चों आप लोग एग्जाम की डेट शीट थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो गई है 1 वीक। आज नई डेट शीट आपके आई है उस अपडेट होकर के, तो आप अपना वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। बिजनेस मैथ्स का एग्जाम आपका 1 वीक आगे पोस्टपोन्ड हो गया है, आप खुश हो गए है ना? चलिए, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रेट प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारे पास में बच्चे 700 रुपीज है इन्वेस्टेड फॉर द 15 ईयर्स, टाइम इक्वल्स टू 15 ईयर्स है, एंड एट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% है, कंपाउंडेड सेबी एनुअली, तो 6 मंथ में चार्जेबल है। तो एक साल में 2 बार चार्ज होगा, तो एन इक्वल्स टू 15 साल में 30, 6 मंथ है, 12 से डिवाइड करेंगे कि एक साल का ये कितना हो गया, आप हाफ कर दिया आपने टाइम को, तो रेट पूरा क्यों देगा आपको, रेट भी आपको वो हाफ देगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया आपका, 4% हो गया। सॉल्व करेंगे आप यहां पर, एस इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट, रेट आपके पास में अपॉन 100 रेस्ट टू पावर एन 30, एंड एस इक्वल्स टू 700। सॉल्व करेंगे 1 प्लस 0.04 रेस्ट टू पावर 30 एंड अमाउंट इक्वल्स टू 700, एंड सॉल्व करेंगे आप 1.04 रेस्ट टू पावर 30 एंड अमाउंट इक्वल्स टू 700। मेरे पास तो बच्चे पूरा पूरा दिसंबर मिल गया, नंबर 15 दिन मिल गया, और मेरे को बस एक ही यूनिट करवानी है आपको। लेकिन अब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि पहले मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट तो पहले ही करना चाहिए मुझे, लेकिन क्या था आप लोग जो है इसको सीरियस नहीं लेते हैं, तो अब मैं टेस्ट सीरीज आपका स्टार्ट कर रहा हूं, उसका अनाउंसमेंट कर दूंगा बहुत जल्दी। तो आपका आया 3.2433 इंटू 700, 2270.37। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट? हाँ, ये पूछा है ना एक बढ़िया क्वेश्चन कि पी वाई सीरीज कब, चैप्टर वाइज करेंगे पी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। जैसे कि हम कैलकुलस का स्टार्ट कर देते हैं है ना, कैलकुलस 1 का आपको मेरे हिसाब से तो अब तो सिलेबस ठीक ठाक चल रहा है आपका, कोई इसमें ज्यादा स्पीड अप करने की जरूरत नहीं है, तो शनिवार शनिवार आप लोग टेस्ट सीरीज पे आ जाइए पी वाई क्यू। तो मैं 5 क्वेश्चन आपको, 10 सवाल मान के चलिए मैं आपको कैलकुलस का दूंगा, जो कि 10 सवाल क्या होंगे वो प्रीवियस ईयर में से ही होंगे, आपको उसको अटेम्प्ट करना है। फिर वो 10 सवाल के सॉल्यूशन क्या, आपके जो डाउट्स होंगे, देखिए डाउट्स अभी बेसिकली कुछ बच्चों डाउट्स से ही ले रहा हूं, बच्चे क्या कर रहे हैं कहीं से भी गूगल से फोटो क्लिक करा भेज दिया, ऐसे डाउट नहीं होता है। डाउट का मतलब होता है आप कुछ कर रहे हैं कहीं फंस गए, तो वो पूछा सर यहाँ पे क्या होगा, तो वो डाउट क्लियर किया जा सकता है। अब पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन उठाया आपने, बोला सर ये कर दो, अब ये सर कर दें तो सर ये कैसे करेंगे, क्लासेस में हैं, बाहर हैं, घर में हैं, तो रजिस्टर पेन लेकर के बैठो, तो आप वो डाउट पूछो ना जो आपको प्रॉब्लम है, ताकि मैं ऑडियो के थ्रू या कुछ आपके हेल्प कर पाऊं। चलिए फिर भी मैं 10 क्वेश्चन, कैलकुलस 2 था आपका, एक बेसिक कैलकुलस एक एडवांस कैलकुलस, लगभग लगभग 8 से 10 सवाल मैं आपका सबसे पहले कैलकुलस 1 बेसिक कैलकुलस का इस शनिवार को आपको मैं दूंगा प्रीवियस ईयर के, आपने उसको अटेम्प्ट करना है, आपको उसको सॉल्व करना है, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद आपको पास में उसका मैं मतलब वीडियो को उस क्लासेस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको,
ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द 1200 रुपीज अमाउंट टू 2000 एट द 5 इंटरेस्ट कन्वर्टेड इन क्वार्टरली? टाइम बताना है आपको, हाउ लॉन्ग आपको टाइम बताना है। देखिए, करेंगे आप में से कोई बच्चा ट्राई करेगा? करो जरा एक बार। हाँ जी, देखिए जरा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द 1200 रुपीज? प्रिंसिपल बच्चे क्या कह रहा है कि भैया आपने 1200 रुपए इन्वेस्ट करा, ठीक है, और वो पैसा आपका एज अ अमाउंट 2000 रुपीज तक आपने पहुंचा दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो रहा वो 5% पर एनम रहा, और आपने चार्ज क्वार्टरली करा है, ये आपका चार्जेबल रहा, तो कितना समय लगा इसमें, टाइम क्या लगा, ये टाइम आपसे पूछ रहा है। चलिए देखिए जरा, तो सबसे पहले आपके पास में एस का फॉर्मूला होगा। एस, सबसे पहले आप इस बात को जरा पहले समझ लीजिए, क्वार्टरली चार्ज कर रहे हो आप, ठीक है, कोई बात नहीं, और ये पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले आप समझिएगा 3 मंथ, और ये 12 मंथ का कितना होता है, ये 1/4 होता है, तो टाइम आप 1/4 में उसके पास पहुंच जाएंगे टाइम के, तो पूरा इंटरेस्ट क्यों देगा आपको, वो 1/4 ही देगा आपका, क्लियर है? 1.25। तो वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.25 देगा, तो एस इक्वल्स टू, एस इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 एंड रेस टू पावर एन होता है, टी नहीं होता, ये बात आप समझ चुके हैं। अब आपका उसमें अमाउंट क्या है, 2000 रुपीज है, प्रिंसिपल क्या है आपका 1200 रुपीज है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका 1.25/100, और एन, एन आपको पता नहीं है भैया। अब समझिए जरा, यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, नीचे करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 10/6, और 10/6 आपके पास में आया जी, 10 और 6, तो 4 से काट दीजिए आप, 4 5 20, 4 3 12, 5/3, यहां सॉल्व करेंगे आप बच्चे, 1.25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, 1.0125, रेस टू पावर क्या आ गया आपके पास में, एन आ गया। अब सॉल्व करेंगे, 4 है तो नीचे आप पॉइंट हटा करके 4 जीरो यूज कर लीजिए, ठीक है, तो क्या आया आपके पास में, 5/3 इक्वल्स टू 1.0125/10,000 रेस टू पावर एन। सॉल्व करेंगे आप इसको, तो 5 से 5 दुनी 10, 0 5 दुनी 10, 5 25, 5 दुनी 10, 2000, 5 चौक 20, 0 5 25, 5 चौक 20, 400, 5 40, 1, 5 40, 0 80, और आगे 5/3 इक्वल्स टू 81/80 रेस टू पावर एन, ये आपका आया। सही सॉल्व करा आपने, देख लेते,
ठीक है। अब आपके पास में n, अब n सॉल्व करेंगे, अब बोथ साइड टेकिंग लॉग ले लो, अब आप कोई ऑप्शन नहीं है, लॉग 5/3 एंड लॉग 81/80 रेस्ट टू पावर n, लॉग होता ही है कि आप पावर को नीचे उतार सको, तो ये हो जाएगा आपके पास में लॉग 5 डिवाइडेड केस में माइनस होता है लॉग 3 इक्वल्स टू एन लॉग 81 माइनस लॉग 80 दिस वन। अब लॉग 5 एंड माइनस लॉग 3, आप लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर एक बार रिपीट कर दो कि कैलकुलेटर का कैसे यूज करते हैं पावर निकालने के लिए, पता था ना बच्चे, जैसे मान लो कि आपको निकालना है 9 8 रेस्ट टू पावर 7, तो 8 पावर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, अब 7 पावर चाहिए तो आप यहां पे देखो नंबर आ रहा होगा, तो नंबर जब तक दबा जब तक आपके 1+8 नहीं आ जाता है, तो इस तरीके से वो आपका यूज होता है। अब यहां पर आपको लॉग वैल्यू निकालने सिखाई हुई है ना, नहीं सिखाई हुई, तो चलिए अब क्योंकि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है, आपका मैट्रिक्स में लॉग की यूज नहीं थी, कैलकुलस में लॉग का यूज नहीं था, तो मैं एक लॉग का आपके पास में सबसे पहले, यहां तो आप अभी नहीं सीख पाओगे एकदम से, हाँ लॉग की वैल्यू कैसे निकालें, तो कल की क्लासेस में ये जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें मैं लॉग वैल्यू सिखाऊंगा, तो यहां पर लॉग की वैल्यू लॉग की वैल्यू लॉग की वैल्यू निकाल करके डिवाइड कर देंगे, आपका एन आ जाएगा। एन मतलब समझिएगा आप इस बात को, एन का मतलब अभी भी आपके पास में टाइम पीरियड नहीं आएगा, एन आपके आपके पास में, अगर मान लो कि एन आपके पास में 8 आ गया और 3 महीने में एन आपका 9 हो गया, तो 9 बारी आप आ रहे हो ब्याज देने, तो कितने समय हो जाएगा 3 महीने का, मतलब एक पहले आप लॉग टेबल सीख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में लॉग टेबल का इस क्वेश्चन को मैं आगे आगे कंप्लीट करूंगा, ठीक है बच्चे, मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लासेस में। अगर जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एन इक्वल्स टू आपका आ गया 12, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो हर 3 महीने में आ रहा है, तो 12 बार आने में कितने राउंड लग गए उसके, वो 12 बार आ रहा है और हर 3 महीने में आ रहा, 3 दिन कितने हो गए उसके पास में, वो 12 टाइम्स आया और हर 3 महीने में आ रहा है, मतलब लीजिए एन इक्वल्स टू 8 आ गया, एग्जांपल लेता हूं, और हर 3 महीने में आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि 3 3 महीने में आ रहा है, तो 1 साल में कितनी बार आ रहा है, 4 बार, 3 महीने में आता है तो 1 साल में कितनी बार आता है, 4 बार, तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो मतलब कि 2 साल तक आया है वो, तो 2 साल के लिए पैसा रखा है, तो आप इसलिए 4 है ना, तो जो भी एन आएगा उसको 4 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, यहाँ पर एन को 4 से डिवाइड करना है, कैसे, 12 महीने की बात है और हर 3 महीने में आ रहा है, तो 4 राउंड उसका 1 साल कहलाता है, 4 राउंड उसका 1 साल कहलाता है, तो एन इक्वल टू जो भी आएगा डिवाइडेड बाय 4 करोगे उतने ही ईयर्स होंगे, इस बात का ध्यान रख लेना है आपने, क्लियर है, तो नेक्स्ट क्लासेस में आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर हम अगली कक्षा में।